आज ना बाबू हम आपको 150 ऑब्जेक्टिव एक दिन का अंदर याद करना सिखाएंगे, और आपको कम से कम हर सब्जेक्ट का ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, कम से कम 1000 से 1200 ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा। हाँ, पूछेगा 100 गो ही, जिसमें से जो है फिक्स रहता है आपको मान लीजिए 40-50 गो, तो याद करेंगे कम से कम 1200 ऑब्जेक्टिव। याद करना मतलब क्या, एक ना एक बार आपको जरूर देखना पड़ेगा वो 1200 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम आपको 10 दिन बचेगा, 15 दिन बचेगा, वो हम बताएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट जब आप हम एक महीना का अंदर, इसी एक महीना का अंदर करवा देंगे आपको, जिस तरीके से आज बोल रहे हैं कि एक दिन में 150 ऑब्जेक्टिव याद करिए, और याद होगा कैसे हम इस वीडियो में बता देते हैं आपको, ठीक है। एक दिन में 150 ऑब्जेक्टिव को टच करना है, ठीक ना, वो बहुत ही आसान है। 150 ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है, 5 गो सब्जेक्ट है, आराम से हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखेगा कि 1000 से 1200 ऑब्जेक्टिव सिर्फ टच करना है, उससे ज़्यादा ना बनता है ना हमको टच करना है। टच करना मतलब कि एक नहीं, एक बार जरूर देखना है उसको। 1200 ऑब्जेक्टिव हो या 1000 ऑब्जेक्टिव, किसी सब्जेक्ट में 600 भी है, 500 भी ऑब्जेक्टिव है, हाईएस्ट उतना ही ऑब्जेक्टिव बनता है, उतना आपको टच करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने का जरूरत है, ठीक। अब कोई बच्चा होगा इकोनॉमिक्स के बारे में पूछेगा, तो इकोनॉमिक्स का वीडियो कल आएगा, ठीक ना, इकोनॉमिक्स प्रूविंग क्वेश्चन जब कल आएगा, तो आप इकोनॉमिक्स के लिए भी निश्चित रहिए। अभी जो हम बताएंगे इस वीडियो में कि आप ऑब्जेक्टिव याद कराएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव का हम प्रूविंग दे ही देते हैं, सब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ एक दिक्कत नहीं है सब्जेक्टिव में। आपको जितना बोलने बाबू उस तरीके से करें, क्योंकि प्रूव करने का काम मेरा है तो हम कराएंगे। बाकी रहा ऑब्जेक्टिव का क्या करें, ऑब्जेक्टिव का भी सवाल नहीं कराएंगे 100% कराएंगे हम, बट उसे ना बाबू आपको रिवीजन के तौर पे देखेगा, ठीक ना, वो ऑब्जेक्टिव जो है रिवीजन के तौर पे आपको सब कुछ पता रहेगा। लेकिन हम जो 10 दिन 15 दिन पहले देंगे आपको ऑब्जेक्टिव, वो आपको क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव पता है कि आपको किसी न किसी साल 2 या 3 साल लगातार जो पूछते रहता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन 21 में पूछा, 23 में पूछा, 25 में पूछेगा, मतलब एक्सपेक्टेशन 20-22 सब रहता है, या फिर मान लीजिए 21-20 में पूछा, 21 में पूछा गया, 2 साल गैप कर दिया, 25, मतलब इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है क्वेश्चन सब, कि कौन क्या होगा क्या नहीं, 2-4 साल का रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, उस सबको लेना पड़ता है, ज्यादा नहीं वो सब रहता है, बहुत कम रहता है, मान लीजिए कि 30 गो रहता है सिर्फ 100 गो में से, तो 30 गो अलग हम लोग को छांटना पड़ता है, तो वो छांटेंगे 10 साल का एनालिसिस करके, तो आपको इधर हो गया 30-35 गो इधर हो जाएगा, ठीक ना। अब बाकी बचा क्या, आपको कुछ नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, मतलब कि 20 क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा 100 में सब्जेक्टिव में से जो नया होगा, एकदम नया होगा, हमको तो करना है नया, नया के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमको जवाब देना है 50 गो, 100 के 100 जवाब देना है, तब सोचते नहीं थोड़ा बहुत क्या है क्वेश्चन, हमको तो जवाब देना नहीं है, तो नया क्वेश्चन भी आएगा तो मेरे दिमाग में मत सोचेंगे कि नया क्वेश्चन आएगा क्या, हमको कुछ लेना ही देना नहीं है नया क्वेश्चन से, नया क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन उसे कुछ लेना ही देना नहीं है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन क्या रहेगा बाबू आपका, कि एक तो नया भी हो गया, एक तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, एक क्या रहता है जो 4-5 साल के गैप में पूछते रहता है, उस सबको भी हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है। 4-5 साल का गैप में क्या होता है आपको, कि कभी 2011 में पूछ दिया, जो कभी 2015 में पूछ दिया, 2012 में पूछ दिया है, मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है, आप पूछ देते रहता है सबको एक तरह ला के, उसके बाद हम आपको देंगे, आपको 10 दिन बचाएगा 5 दिन, तो वो आपको मतलब क्वेश्चन पता रहेगा कि कहीं ना कहीं आप पढ़े रहेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन देता है मॉडल पेपर में, ले लीजिए बुक में, जो आपको कभी ना कभी पूछा रहता है, तो हम लोग जो 10 साल का भी एनालिसिस करेंगे तो उसी सब क्वेश्चन, हाँ कुछ नया क्वेश्चन भी देंगे जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक ना, ताकि आपको यह पता चले कितना पानी में कितना बना सकते हैं, ठीक है। बार बार हम हर बच्चा को यही बोलते हैं कि 10 दिन 15 दिन जो ऑब्जेक्टिव बचेगा, हम आपको वही ऑब्जेक्टिव देंगे जो कि आपको रिपीटेड होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमेशा मेरा टारगेट ऑब्जेक्टिव में ये नहीं रहता है कि 100 में 100 बना का आइए, 100 में 100 आपको पता रहना चाहिए, नहीं, हम 100 में से कोशिश करते हैं 60 को 70 को कम से कम आना ही चाहिए आपको बनाने के लिए, जवाब देना 50 को बना कहा जाएगा, बस हो गया। जैसे हमारा फोकस कभी भी 2 नंबरी में नहीं रहता, प्रूविंग क्वेश्चन दिए हैं तो कभी भी नहीं रहेगा मेरा टारगेट कि हम आपको क्या करें 30 में 30 टकरा जाए, हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि 30 में 30 मेरा टकरा जाए 100% नहीं, ठीक ना, हम कोशिश करते कम से कम 18 को 19 को टकरा जाए, तक 18 को 19 को जवाब तो देना है 15 ही को, पता रहेगा 30 गो फिर भी जवाब देना है 15 ही को, तो हम क्यों ना क्या करें बाबू 18 को 19 को फोकस करें, और वही रिपीटेड क्वेश्चन आता है वही हम देते हैं, उसी तरह से हम ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हैं आपको, ठीक, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी आप क्या करें बाबू, सब कुछ भूल के क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं, आपको जिस तरीके से बता रहे हैं आपको 1.5 महीना उस तरीके से करिए। क्या करना है बाबू, 150 ऑब्जेक्टिव एक दिन याद करना है, चलिए हम बताते हैं कैसे याद करना है आपको। जय मिथिला बाबू, देखिए 150 ऑब्जेक्टिव को बताएंगे, पर उससे पहले इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता होगा कि इकोनॉमिक्स वाला क्या करे भैया क्या ना, देखिए इकोनॉमिक्स का दिन वीडियो आपको बाबू कल आ जाएगा, इसमें 10 चैप्टर तक है, वैसे आप बुक में देखिएगा तो आपको 21-22 या ऐसे कुछ दे दिया चैप्टर, लेकिन आपको उसका मतलब एक चैप्टर को 5 चैप्टर में दे दिया है बुक सब में, तो हम उसको क्या कर दिए हैं, मतलब 1 से 10 चैप्टर मेन है, 1 से 10 चैप्टर, तो पहला वीडियो बनाएंगे 1 से 5 में, ठीक ना, 1 से 5 बनाना है, ठीक है, और एक दूसरा ही वीडियो में खत्म कर देंगे 6 से 10, दो ही वीडियो बनेगा उसमें पूरा पूरा खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी ज़्यादा ये मथापेची मत करिएगा, इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, एक दो वीडियो आएगा 2 नंबरी खत्म, एगो आएगा सिर्फ 5 नंबरी का, 3 गो वीडियो में इकोनॉमिक्स भी खत्म, ठीक। 150 ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, कि कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आप क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए कि
अकाउंट, BST, इको या EPS, हम एक ही मानते हैं, जो ना जो जो बच्चा दोनों रख लिया होगा दूसरा बात है, इको EPS एक साथ रख लिया होगा तो दूसरा बात है, वो आप हम उसको मानते हैं थोड़ा बहुत, चलो एक्सेप्शन में वो है, फिर हिंदी इंग्लिश। यू हैव टू डू नथिंग बाबू, बस आपको अकाउंट, BST, इकोनॉमिक्स, EPS, पांच सब्जेक्ट, आप क्या करना है, एक सब्जेक्ट में आपके पास मॉडल पेपर आना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं मॉडल पेपर या गेस पेपर रहता है बाबू, लेकिन कभी कभी इसका टारगेट का देखे हुए थे, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक चैप्टर मतलब बिना मतलब का दे दिया है कि हर चैप्टर में 100 ही ऑब्जेक्टिव, मतलब कुछ से कुछ भर दिया, मतलब वो बेवकूफ़ी का काम हुआ, इसलिए हम बोलते हैं कि SPPD का मॉडल पेपर लीजिए, दूसरा कर लीजिए मॉडल पेपर गेस पेपर, तो मतलब कहीं का नहीं रहिएगा। ठीक, अकाउंट का देखिए बाबू क्या करना है, अकाउंट का क्या है, 30 ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक दिन में पढ़ना है, 30 ऑब्जेक्टिव एक दिन में पढ़ना है मॉडल पेपर से, 30 ऑब्जेक्टिव एक दिन में पढ़ना है, 30 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है एक दिन में, 30 ऑब्जेक्टिव। आप 31वां ऑब्जेक्टिव को टच ना करिएगा, ये आप लिख लीजिए, आप 31वां ऑब्जेक्टिव को टच नहीं करना है तो नहीं करना है, 30 ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक दिन में याद करना है, और एक ही ऑब्जेक्टिव याद करना है एक दिन में। देखिए अब 30 ही ऑब्जेक्टिव, यू डोंट नीड टू टच एनी क्वेश्चन आफ्टर दैट, मतलब कुछ भी नहीं है, 31वां क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है आपको, 30 ऑब्जेक्टिव एक दिन में टच करना है। उसके बाद मान लीजिए एक चैप्टर में जैसे कि आपको ये आपको ये दिखाई देते हैं आपको किस तरीके से करना है, ताकि आपको और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको बोले तो मॉडल पर खरीद लेने के लिए क्या देख खरीदने के लिए वो भी बता ही दिए थे आपको, 2024 सब देख लिखिए, एक चैप्टर में देख लीजिए बाबू, इसमें लिमिटेड रहता है कि 45-46 हर साल, मतलब इतना ही रहता है एक चैप्टर में, तो 30 ऑब्जेक्टिव याद करना है, जब यहाँ तक एक दिन में याद कर लेंगे इसको नहीं टच करेंगे, एक दिन में क्या करें इतना तक देखना है, ठीक, मतलब याद कर लेना है एक बार, ठीक ना, पहले एक बार देखना है। चलिए द बेसिस ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अच्छा इसका आंसर नहीं पता है तो मान लीजिए पता कर लीजिए, लेजर मान लीजिए थोड़ा देख ले, हम लेजर हम लगा दिए, फिर हम इसमें आंसर देखेंगे, 17 का बी है, अच्छा सॉरी गलती हो गया, अर्थात क्या इसमें एक बार गलती हो गया, तब इसे करके ये लिख देंगे या थोड़ा थोड़ा टिक लगा देंगे, ये बताए हुए थे इस तरीके से याद करना है। मान लीजिए कि 18 का आंसर आप सही दे दिए तो उसमें कुछ नहीं करना, 19 का दे दिए सही है कुछ नहीं करना, मतलब एक दिन में सिर्फ 30 गो को टच करना है, 30 गो को याद करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है एक सब्जेक्ट में। उसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट में 5 गो सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो 150 ऑब्जेक्टिव एक दिन में सिर्फ याद करना है। याद करने को तो आप बैठिएगा तो आपको 30 गो ऑब्जेक्टिव तो आधा घंटा बन जाएगा। हाँ एक चीज़ और बाबू यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे, 30 गो ऑब्जेक्टिव याद करते हैं लेकिन नहीं रहता, देखिए याद ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको YouTube पे जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट मान लीजिए अकाउंट का ले लेते हैं आप, NPO है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द NPO, ना आप पढ़े हैं ना कुछ किए हुए हैं, मतलब आपको पता नहीं NPO पर, यू डोंट नीड एनीथिंग, आप क्या कर सकते हैं बाबू, एक काम कर सकते हैं कि जो भी YouTube पे वीडियो आप सर्च करिए NPO, आप हिंदी मीडियम से होते हैं इन हिंदी लिख दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम से नहीं, इंग्लिश मीडियम से है तो कुछ को लिखने का जरूरत नहीं, NPO आप लिख दीजिएगा, उसके बाद आपके क्या लिखिएगा, जैसे ही आपको एक सुनील पांडा करके टीचर है वो भी आपको 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर पढ़ा देते हैं, या हम भी आपको बताए हुए थे आपको 15 से 20 मिनट में आपको एक चैप्टर का थ्योरेटिकल आपको जिससे आसानी, मेरा मतलब ये नहीं कि मेरा ही वीडियो देखे उसका ही वीडियो देखे या रजत और जितना भी टीचर है किसी का भी देखे, सबसे अच्छा था CA नरेश अग्रवाल का है, लेकिन नरेश अग्रवाल सबको बहुत लंबा वीडियो रहा तो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक ना। आप देखिए जो भी आदमी इसका होंगे इसके इंग्लिश वाला का प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी वाला का क्या करेगा, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, या इंग्लिश हिंदी जो बिहार बोर्ड के लिए सिर्फ पढ़ना है बिहार बोर्ड के बेसिस पे, तो आप क्या कर दीजिए मेरा वाला समेरी वीडियो का वो देख लीजिएगा, या किसी का भी देखिएगा जिसका आप देखेंगे 10 से 15 मिनट टाइमिंग है उसी का वीडियो देखना, वन शॉट देखना आपको सिर्फ वन शॉट, 10 से 15 मिनट टाइम, बहुत हुआ तो 20 से 25 मिनट देंगे एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर में, उसे ज्यादा नहीं, समझ में आया ना, अब हमको वीडियो देख लेना है, वीडियो जैसे देख लेंगे बाबू उसके बाद आएंगे हम याद करने के लिए, वीडियो देख लिए उसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे, आपको मॉडल पर खोलेंगे मॉडल पर याद करेंगे, मतलब एक घंटा का एक सब्जेक्ट के लिए देना है, एक घंटा के लिए आधा घंटा वीडियो देखना है, मेरा ही वाला वीडियो देखेगा तो रिलेट कर पाएगा इससे ठीक, और आधा घंटा क्या करना है 30 गो ऑब्जेक्टिव देखना है, बस हो गया।
मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए इससे ज्यादा आपको टाइम देने का जरूरत ही नहीं बाबू। एक सब्जेक्ट में एक घंटा देना है, एक दिन का बस हो गया, और कुछ नहीं मांग रहे। 5 घंटा दीजिए सिर्फ सिर्फ आपको इसमें एक दिन। आप क्या हो गया कि चैप्टर भी आपको पता चल गया, ऑब्जेक्टिव भी एक साथ कंप्लीट हो गया, और टाइम बचेगा तो आपके क्या कर लेंगे, आपको टाइम बचेगा कि आपको 5 घंटा थोड़ी ना पड़ेगा सेल्फ स्टडी करिएगा, बताइए आप क्या करेगा। 5 घंटा में आधा घंटा इधर ही निकाल लीजिए, इससे आपको क्या कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी याद करने में सहूलियत हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी आधा घंटा देख लेंगे, बस आधा घंटा देख लेंगे बस। 1.5 घंटा ही सिर्फ देना है एक सब्जेक्ट में, समझ लीजिए आपको सिर्फ 1.5 घंटा देना है, तो 15 25 कितना होता है 75 ना 7.5 प्लस 7 घंटा से 8 घंटा आप एक दिन में दीजिएगा सेल्फ स्टडी में, तो आपका सिलेबस कहाँ से कहाँ चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा 7 से 8 घंटा से। ठीक बाबू, उतना ही देर देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और 30 ही ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद करना है एक सब्जेक्ट में, उस तरीके से 150 ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद कर लेंगे, ठीक। और पूरे सब्जेक्ट मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 30 गो है, तो हमारा जो हाईएस्ट रहता है कितना, आपको 1000 ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ता है, मतलब 1000 ऑब्जेक्टिव या 1200 मान लेते हैं 1200 ऑब्जेक्टिव, मतलब हाईएस्ट रहता है कि 1200 ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ता है उस ज़्यादा में। हाईएस्ट मतलब वो हाईएस्ट हो गया, नहीं तो 600 700 ऐसे ऑब्जेक्टिव बनता ही है सिर्फ 30 गो डिवाइड करने का, मतलब 3 चौके 12, मतलब 40 दिन में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया और हर एक चीज़ आपको आता भी है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ और याद करने का जरूरत है बाबू, एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे ही आप सेकेंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करिएगा, जैसे मान लीजिए दूसरा चैप्टर काम थी, दूसरा चैप्टर है ये मेरा, दिस इज आवर सेकेंड चैप्टर, हाँ अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फर्म देख लीजिए, उसमें क्या करेंगे हम 30 तक याद करने के लिए बैठेंगे। 30 तक याद करने के लिए बैठने से पहले यू हैव टू जस्ट एट ए ग्लैंस आपको देखना है कि आपको कि ये जो 30 को याद किए हुए थे उसको एट ए ग्लैंस देखना है, मतलब एक नज़र देखना है, और उसके साथ साथ पहले वो देखना है जिसमें हमको प्रॉब्लम था, ठीक। बिफोर टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर आपको वो चैप्टर देखना है जो आप पढ़ चुके हैं, समझो। आपको नया चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो पहले आप पढ़ चुके हैं, और उसमें भी क्या बाबू, जो पहले पढ़ चुके हैं वो तो सही है, उसमें भी क्या जो आपको जिसमें प्रॉब्लम था सबसे पहले वो हम देखेंगे। और 30 तक एक बार रिविजन कर, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम देना ही नहीं, 5 मिनट रिविजन कर लेंगे बस हो गया, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, ठीक। इस तरीके से करेंगे बाबू, कोई भी दिक्कत भी नहीं होगा, कोई नंबर भी नहीं कटेगा, और ना आप नंबर के बारे में सोचिए ना एग्जाम के बारे में सोचिए, 15 दिन बचेगा ना तब, या 20 दिन या 1 महीना, तो अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं हम तो बना सकते हैं, बनाइएगा अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। इस तरीके से करिए बाबू, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए, यहाँ तक पहुँच के कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।